सर कि जितना आप लोगों ने मेहनत किया है इतने दिनों में, और आप लोग अगर 500 से 600 ही सब्सक्राइबर लोग ले आए हो अपने चैनल पर, तो बहुत गर्व की बात है। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हो तो आप लोगों का चैनल इजीली ग्रो हो जाएगा, और आप लोगों को कोई भी कॉपीराइट क्लेम और कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक, ना ही आप लोगों को कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना वीडियो बनाते हो, अगर आप लोग यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, आप लोगों का यूट्यूब चैनल कभी भी डिलीट नहीं होगा। आप लोगों का अच्छा खासा बेस बना लेते हो, अच्छे खासे व्यूज ले आते हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उससे मेहनत होता है, उसमें वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है, सारे आप लोगों को फोर्स लगाने होते हैं, टॉपिक फाइंड करने में, टैग फाइंड करने में, वीडियो एडिट करने में, थंबनेल बनाने में आप लोग जितना मेहनत करते हो। अगर आप लोग यूट्यूब पर फ्रॉड करते हो, अगर आप लोग यूट्यूब पर बताते हो में कैसे आप लोग किसी भी मोड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन को क्रैक कर सकते हो, ऐसा आप लोग बताते हो, तो आप लोग के सालों के मेहनत को आप लोगों को एक ही झटके में बर्बाद कर देता है यूट्यूब। इस प्रकार के एप्लीकेशन, ना ही आप लोगों को कोई भी कॉन्टेंट किसी का डालना है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के चैनल पर एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ जाता है, तो आप लोगों का सालों का मेहनत भी बर्बाद हो सकता है। अगर आप लोगों के चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, तो आप लोगों का चैनल 3 महीने बाद मोनेटाइज होगा। अगर आप लोग रूल को फॉलो करते हुए, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए अगर आप लोग अच्छे से वीडियो बनाते हो, तो आप लोगों को कोई भी स्ट्राइक नहीं देगा, और आप लोगों का सालों का मेहनत रंग लाएगा। यही आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि अभी फिलहाल इसी टाइम पर आप लोग जानते ही हो, एक यूट्यूबर भैया हैं जिनके लगभग 4 मिलियन या यूँ कहूँ 40 लाख सब्सक्राइबर थे, उनका चैनल डिलीट हो गया, तो हम लोगों के चैनल पर क्या रखा है। हमारा चैनल पर लगभग 200 से 250 सब्सक्राइबर हो जाएगा, पर हम लोगों को कोई पहचानेगा नहीं, हमारा फेस वैल्यू नहीं बना है अभी, तो हम लोगों को कौन पहचानेगा, ना ही हमारे उतने सब्सक्राइबर बेस हैं जिसके मदद से हम लोगों को जो भी हम मेहनत किए, जो भी वीडियो अपलोड किए हैं 200-300, उसका फल हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। सो यही मेरा दरख्वास्त है कि आप लोग YouTube के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके अच्छे तरीके से वीडियो बनाओ, किसी का वीडियो डालो मत अपने चैनल पर। सो आई होप कि ये वीडियो लोग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग इन्हीं रूल को फॉलो करके अपना वीडियोस बनाते हो, तो आप लोगों को YouTube कभी आप लोगों को YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, और कभी भी आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक, और नहीं आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो आप लोग जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में जाना, और वहाँ पर आप लोगों को छोटा सा कमेंट कर देना है कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। और अगर ये मेरे वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी, इतना सा भी आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। सो आज के बस इतना ही, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट, बाय बाय।